नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एमेंद्र सिंह। जी, नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इसरो ने श्रीहरिकोटा से लांच किया साउंडिंग रॉकेट RH-560। हवाओं के व्यवहारिक बदलाव से जुड़े अध्ययन में करेगा मदद। हिमाचल में मंडी समेत 4 निगमों में चुनाव की सूचना जारी। 7 अप्रैल को होगा मतदान। चुनाव आचार संहिता लागू। प्राइवेट नौकरी करने वालों पर झारखंड की सोरेन सरकार मेहरबान। स्थानीय लोगों को जॉब में मिलेगा 75% आरक्षण। तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा TMC के दफ्तर जाकर ली सदस्यता, लहराया झंडा। TMC में शामिल होने के बाद यशवंत ने भाजपा पर बोला हमला का, देश संकट से गुजर रहा है इसलिए राजनीति में लौटा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए DMK ने जारी किया घोषणा पत्र। पेट्रोल 5, डीजल 4 और गैस 100 रुपए घटाने का किया वादा। असम विधानसभा की चुनावी रैली में स्मृति ईरानी ने बोला हमला, कहा कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी, भाजपा को दीजिए वोट। डकैत ने कोलकाता के भवानीपोरा में महापंचायत को किया संबोधित, कहा पूरी सरकार बंगाल प्रचार में व्यस्त, इसीलिए हम भी यहाँ आए। कोरोना के मामलों को लेकर मध्य प्रदेश में जल्द लगेंगी पाबंदियां। भोपाल और इंदौर में लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अपील, कहा वैक्सीन आने के बाद भी लोगों को सावधानियां बरतना जरूरी। महाराष्ट्र के बाद गुजरात के सूरत में भी फूटा कोरोना महामारी का बम। 85 छात्र निकले पॉजिटिव। स्कूल बंद करने का दिया आदेश। 1 अप्रैल 2022 से सड़क से हटाए जाएंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन। सरकार ने मसौदा अधिसूचना जारी कर हितधारकों से मांगे सुझाव। WHO ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को दिया इमरजेंसी अप्रूवल। कोरोना महामारी में एक दूसरे डोज की नहीं पड़ती जरूरत। नई दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी एक्सप्रेस के कोच में लगी आग। ड्राइवर और गार्ड की सूझबूझ से ट्रेन को कांसरो स्टेशन पर रोका। हादसे के बाद सभी यात्रियों को दूसरे कोचों में सुरक्षित किया गया शिफ्ट। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। घटना की छानबीन में जुटे अधिकारी। कोरोना में जान गंवाने वाले लैब टेक्नीशियन के घर पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली CM ने राकेश जैन के परिवार को सौंपा 1 करोड़ का चेक। 15 मार्च को फिर से मैदान में उतरकर प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। पुरुलिया, बांकुरा और झारग्राम में रैली को करेंगी संबोधित। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को लगाई फटकार। देवेंद्र चौकसिया के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने पर जताई हैरानी। हाईकोर्ट ने हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की की शादी को बताया मान्य। का धर्म बदलने पर शादी को नहीं घोषित किया जा सकता वैध। MSME क्षेत्र में अच्छे ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध सरकार। गडकरी बोले 5 साल में दुनिया का शीर्ष वाहन निर्माता होगा भारत। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गठित आयोग 5 महीने में ही बंद। 6 हफ्ते के भीतर संसद में विधेयक पेश न हो पाना बताया कारण। टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में हुई कार्रवाई। जेवर पुलिस ने 100 से अधिक किसानों के खिलाफ दर्ज किया मामला। डाटा का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी सरकार। ई कॉमर्स नीति के मसौदे में रखा गया है प्रस्ताव। शुक्रवार को पहली बार 20 लाख से ज्यादा दी गई टीके की खुराकें। अब तक देश में 16,39,663 लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। 1 हफ्ते तक ऑनलाइन सुनवाई करेगी मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अदालत ने लिया फैसला। अनुराग ठाकुर ने अर्थव्यवस्था में वी आकार के सुधार का किया दावा। बोले तेज गिरावट के बाद तेजी से पुनरुद्धार की ओर बड़ी अर्थव्यवस्था। CM योगी ने की महाभारत के पात्रों से अखिलेश के परिवार की तुलना। बोले ये वही पात्र हैं जिन्होंने फिर से जन्म लेकर प्रगति को किया बाधित। CM योगी ने सपा सरकार पर लगाया प्रदेश का विकास रोकने का आरोप। बोले काका, चाचा, नाना और मामा प्रदेश में चला रहे थे सरकार। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने लगवाया कोविड-19 का टीका। बोले उम्मीद है कि जल्द ही सभी को महामारी से मिल जाएगी मुक्ति। पुडुचेरी में 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी द्रमुक। पार्टी अध्यक्ष MK स्टालिन ने 12 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के मामले में 191 गिरफ्तार। पुलिस ने अभियान चलाकर सरेशाम शराब पी रहे लोगों पर की कार्रवाई। MP के CM शिवराज चौहान ने हुनर हाट का किया उद्घाटन। CM ने कहा 31 राज्यों से आए कलाकारों ने लगाया है स्टॉल। RJD के विधायकों ने पटना में निकाला विरोध प्रदर्शन मार्च। विधायकों ने नीतीश के मंत्री राम सूरत राय के इस्तीफे की उठाई मांग। CM योगी ने काला नमक चावल महोत्सव का किया उद्घाटन। CM ने कहा सिद्धार्थनगर में 5,000 हेक्टेयर में उगाया जा रहा है धान। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने अमृत महोत्सव में प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। बोले आजादी के संघर्ष की गाथा को समझने के लिए लगी है प्रदर्शनी। UP में नव चयनित खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए हुआ कार्यक्रम। CM योगी ने कार्यक्रम में चयनित अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। बंगाल BJP अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले TMC के टूटने से सताने लगा है चुनावी हार का डर। दुराचार की झूठी शिकायत करने वाले पर हाईकोर्ट ने की कार्रवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता पर ठोका 30,000 का जुर्माना। उड़ीसा विधानसभा में BJP विधायक ने जान देने की कोशिश की। सदन की कार्रवाई के दौरान विधायक सुभाष चंद्र ने पी लिया सैनिटाइजर। BSF अधिकारी के खेत से NIA ने बरामद किए 91 लाख रुपए। कश्मीर के चर्चित हंदवाड़ा नार्को केस में अधिकारी का नाम शामिल।
अब यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों की राह होगी आसान। एक्सप्रेसवे के सभी टोल पर फास्टैग लगाने का काम किया गया शुरू। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, केंद्र से लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों को चौपाल लगाने का आदेश। मुंबई की एक कोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना पर केस दर्ज करने का दिया आदेश। लेखक ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के हनन को लेकर लगाई थी अर्जी। अमेरिका की बाइडेन सरकार H-1B वीजा पर करेगी पुनर्विचार। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने वीजा को लेकर दर्ज कराई थी आपत्तियां। स्पाइस जेट घरेलू मार्गों पर 28 मार्च से शुरू करेगा 66 नई उड़ाने। होली पर लोगों की भी भीड़ को देखते हुए स्पाइस जेट ने लिया फैसला। बांदा में किसान महापंचायत का हुआ आगाज। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान नेता हुए शामिल। समाज सेवी डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने विकलांग मरीज का कराया इलाज। कन्नौज के लोग डॉक्टर धर्मेंद्र की कर रहे हैं प्रशंसा। कन्नौज में दो युवकों को जहर खुरानी गिरोह ने बनाया शिकार। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। भारत इंग्लैंड के बीच कल खेला जाएगा दूसरा T20 मुकाबला। सीरीज में पलटवार करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में रोहित शर्मा की हो सकती है वापसी। दीपक चाहर और राहुल तेवतिया को भी मिल सकती है जगह। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।